सब्सक्राइब करें धर्मेंद्र टूर चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इंदौर जू। आज के इस वीडियो में हम इंदौर जू का टूर करने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। और जो वाइट टाइगर देख रहे हैं काली धारियों वाला, ऐसा जू के अंदर है, उड़ीसा से शिफ्ट किया गया है अभी एक हफ्ते पहले, तो आज उसको भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। वो रहा गाइस टिकट घर, वहाँ से आप टिकट लोगे सबसे पहले और इसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे। ये रही गाइस कुछ इसकी टिकट। यहाँ से गाइस आपको अंदर जाना है। तो गाइस ये है कुछ, आप देख सकते हैं गेट के पास का सीन। ये यहाँ पर एक बास का स्टैचू लगाया गया है जो ऑटोमेटिक मशीन से घूमता है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर गाइस काफ़ी कुछ अपडेट हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2018 में इससे पहले आया था, तब से लेकर अभी मैं जू आया हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट हो गई है यहाँ पर। यहाँ पर गाइस सेल्फी स्पॉट बना दिए हैं, ये देख सकते हो आप इधर साइड, ये देखो कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप गाइस देख सकते हो मोर को, मोर का व्यू देख सकते हो, पंख फैलाए हुए कितना बढ़िया व्यू है। ये देखो आप भी अपने पंख को डाउन कर रहा है, देख सकते हो काफ़ी सुंदर व्यू है। तो ये जो आप देख रहे हैं गाइस, ये जानवर जो आप देख रहे हैं इसका नाम है इग्वाना। अक्सर फॉरेन में आपने देखा होगा, काफ़ी सारे लोग इसको पालते भी हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है इग्वाना। ये है गाइस पक्षी विहार, यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी 25 रुपीज़। ये जंजीर आप देख रहे हैं गाइस, ये काफ़ी बचनी है, टू स्टेप पर लगाई गई है ताकि पक्षी बाहर ना सके। वाह जी वाह, ये देख रहे हो गाइस ये है पक्षी विहार, यहाँ पर खुले में पक्षियों को रखा गया है। ऊपर देखिए जाली लगी हुई है, देख सकते हैं ऊपर जाली लगी हुई है। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे पक्षियों को दिखाएंगे, यहाँ पर आपको छोटे छोटे पक्षी देखने को मिल जाएंगे। उधर से प्रकाश आ रहा है, इधर देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे पक्षी बैठे हुए। ओह ये देखिए यहाँ पर कितने सारे पक्षी बैठे हुए हैं, ये देखिए। सो गाइस ये है ब्लू एंड गोल मकाऊ पक्षी, ये देख सकते हो। ये कहाँ का पक्षी? ये साउथ अमेरिका का है, ब्लू एंड गोल मकाऊ। ये पक्षी देख रहे हो गाइस, इसका नाम है येलो क्रेस्टेड कॉकटू, हिंदी में बोले तो पीला कलगी वाला कॉकटू। ये पक्षी चिल्लाता बहुत तेज है। ये पक्षी आपको कैसा लगा गाइस नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। क्या बोलते हैं? ऑरेंज विंग्ड अमेज़न। अच्छा ये कहाँ का है? यहीं का है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, हाय बोलता भी है। तो गाइस इस पक्षी का इंग्लिश नाम है ऑरेंज विंग्ड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नारंगी पंखों वाला पक्षी। गाइस ये पक्षी आपको कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करना। यहाँ का व्यू आप देख सकते हो गाइस कितना खूबसूरत है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, ये देखिए काफ़ी सुंदर व्यू है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं नीचे का व्यू, ये देखिए यहाँ पर एक रेड और ब्लैक बर्ड बैठा हुआ है, इसका नाम मुझे शायद नहीं पता। ये पक्षी देखिए गाइस काफ़ी नज़दीक से मैं आपको इस पक्षी को दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं इसकी जो पूंछ है वो रेड कलर की है, आप देख सकते हो, ये देखिए बड़ा ही प्यारा लगता है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से।
ये पक्षी आपको कैसा लगा गाइस नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। यहाँ पर देखिए गाइस कितना प्यारा व्यू। फिलहाल इन तीनों का भोजन हो रहा है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो खाना खा रहे हैं ये तीनों। बट यहाँ का व्यू आप देख सकते हो कितना सुंदर है। ये पक्षी देखिए गाइस, ये भी साउथ अफ्रीका का पक्षी है। ये देखिए, ये ट्रेनर है जो बुलाते हैं और भेज देते हैं तो उनके पास आ जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर पक्षी बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए गाइस काफ़ी सारे पक्षी हैं। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है गाइस, एक साथ फ्लाइंग करते हुए सभी के सारे पक्षी देख सकते हो आप। तो कुछ इस प्रकार से गाइस ये पक्षी विहार का व्यू जो कि इंदौर चिड़ियाघर में बना हुआ है। और ये आप देख सकते हो जंजीरें इसलिए लगाई गई है ताकि सभी बर्ड बाहर ना सके। दो स्टेप पर लगाई गई है, फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड। अगर मान लो फर्स्ट से आ जाते तो सेकंड से नहीं जा पाएंगे बाहर, इसलिए यहाँ पर जंजीर। इस पक्षी को गाइस आप सभी लोग जानते होंगे, इसका इंग्लिश नाम है एमो, हिंदी में हम कहते हैं शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग धरती पर दौड़ने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है और विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग है। तो इस प्रकार से गाइस शुतुरमुर्ग वो एक देख सकते हैं पीछे साइड से आ रहा है, वो नर है, देख सकते हो ब्लैक हेयर वाला, वो देख सकते हो आप वो नर है और ये दोनों मादा हो सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से गाइस शुतुरमुर्ग। ये पूरी तरह से खड़े होने पर इसकी जो ऊंचाई है 5 से 6 फीट हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस छोटे छोटे पक्षी हैं जो काफ़ी सुंदर हैं। और ये मंकी टाइप का लग रहा है लेकिन इसमें भी कई सारी प्रजातियाँ होती हैं। यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखा है तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये है गाइस सांप घर में आ गए हैं हम। इसका भी टिकट आपको लगेगा 5 रुपीज़ का टिकट है सांप घर का ये, तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये जो स्नैक है इसका नाम है एल्बिनो बॉल पैथन। एल्बिनो बॉल पैथन ये वाइट एंड येलो कलर का होता है। ये आप देख सकते हैं जहरीला नहीं होता है, ये पालतू भी होता है, काफ़ी सारे लोग पालते भी हैं। और ये काफ़ी सुस्त होता है जैसा कि आप देख सकते हो, एक जगह बैठ गया तो बैठा ही है, इधर उधर हिल ही नहीं रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से है। इसको फॉरेन में बहुत ज़्यादा लोग पालते हैं, यहाँ भी इंडिया में भी काफ़ी सारे लोग पालते हैं जो शौकीन होते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं गाइस कॉमन सैंड बोआ। ये देख सकते हैं आप दो सांप हैं, कॉमन सैंड बोआ इस सांप का नाम है। और इसका जीवन काल 15 से 20 साल होता है और जो इसकी लंबाई होती है 3 से 4 फीट होती है। तो ये कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये जो सांप है गाइस रेड सैंड बोआ है। रेड सैंड बोआ इसका जो जीवन काल है 15 से 20 वर्ष है और इसकी जो लंबाई है 2 से 3 फीट होती है। ये देखिए लास्ट में कोने में बैठा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये रहा। तो ये है गाइस कोबरा, ये आप देख सकते हो, ये देखिए कोबरा। और ये मांसाहारी स्नैक होता है। इसका जो जीवन काल होता है 15 से 20 वर्ष तक जीता है। इसकी जो लंबाई होती है 4 से 6 फीट होती है और भारतीय कोबरा उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप गाइस कुछ इस प्रकार से है, ब्लैक और वाइट कलर की धारी पर। तो ये है गाइस बैंडेड रेसर, आप देख सकते हो काफ़ी तेज दौड़ता है ये। और ये अपने शिकार के लिए काफ़ी ऊंचाइयों तक चढ़ जाता है और इसका जो जीवन काल है 8 से 10 वर्ष है और जो इसकी लंबाई होती है 3 से 4 फीट होती है और कभी कभी और इससे भी लंबा हो जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे लंबे सांप है ये सांप गाइस। ज़्यादातर प्रायद्वीपी भारत में असामान्य रूप से देखा जाने वाला सांप है। ये सांप मुख्य रूप से शहर के बाहरी इलाके यानी गांवों में पाया जाता है जहाँ कृषि होती है, इन क्षेत्रों में रहते हैं। ये अपने शिकार के लिए काफ़ी बहुत ऊँचाई तक ये चढ़ जाते हैं। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं गाइस जालीदार पायथन
सांप स्नैक। तो ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी लंबा सांप होता है। इसकी जो लंबाई होती है 20 से 27 फीट तक होती है। इसका जो जीवन काल होता है 15 से 20 वर्ष होता है। ये आप देख सकते हैं बैठा हुआ है अंदर, लंबा बाहर निकला होता तो हम आपको दिख। तो ये था गाइज स्नैक हाउस कंप्लीट, हम लोगों ने देख लिया। तो ये देख सकते हैं गाइज, ये है पैरट यानी तोता। ये अपने इंडिया में भी पाया जाता है। ये देखिए अभी सर हिलाएगा अपना, ये देखिए, और बोलता भी है। तो ये कुछ इस प्रकार से है पैरट, ये देखिए बोलता भी है। यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, ये है जंगली मुर्गे। ये जंगली मुर्गे हैं गाइज जो अपने इंडिया में पालते हैं, वो नहीं है। और ये है वाइट मोर, ये आप देख सकते हैं वाइट मोर को। अपने पंख अभी खोला हुआ नहीं है, अगर खोला होता तो और बहुत अच्छा लगता। तो ये कुछ इस प्रकार से गाइज वाइट मोर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, ये पक्षी कौन से हैं ये मुझे नहीं पता, बिकॉज़ यहाँ पर लिखा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं गाइज सांभर, काफ़ी सारे सांभर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं आप काफ़ी सारे हैं। ये है गाइज मगरमच्छ, आप देख सकते हो एक पानी में है, और कुछ ये देखिए आराम फरमा रहे हैं बाहर। ये कुछ इस प्रकार से गाइज मगरमच्छ, मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो गाइज कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं मगरमच्छ, और ये एक पानी में तैर रहा है। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज काफ़ी बड़ा है मगरमच्छ। और इसका जबड़ा गाइज बहुत ही मजबूत होता है। कहने का मतलब ये है कि इसके जबड़े में जो भी फंस जाता है तो छूट पाना लगभग मुश्किल होता है, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल ज़रूर होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज ये बतख, बतख के तैरने के लिए यहाँ पर पानी भी भरा गया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है गाइज ये बतख, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है वाइट बतख। और ये है गाइज गेंडा, फिलहाल तो ये पानी के अंदर है, बाहर निकले नहीं है कोई भी। तो ये देख सकते हैं आप गेंडा। और ये आप मंकी देख सकते हैं, बंदर, ये देखिए काला मुंह वाला बंदर, ये देख सकते हैं आप। और जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार से है बंदर। और ये है गाइज इसका नाम फिलहाल यहाँ पर लिखा नहीं है, बट ये जो है ये जो एक प्रकार के बतख की प्रजातियाँ होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनकी जो चोंच है काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, जिससे ये मछली पकड़ने में माहिर होते हैं। ये देख सकते हैं तालाबों में काफ़ी आपको देखने को मिल जाते हैं, मछली बहुत ही होशियारी के साथ पकड़ लेते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। ये है गाइज ब्लैक बक हिरण, आप देख सकते हैं इनकी जो सींघे देख सकते हैं वो काफ़ी लंबी है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं। ये देख सकते हैं गाइज ये है शाही जानवर, शाही एनिमल। इसके पीठ में कांटे होते हैं, अगर कोई इस पर वार करता है तो अपने कांटों को खड़ा कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज ये हिरण है, ये देखिए काफ़ी तेज़ दौड़ रहा है। ये देख सकते हैं आप फुल मस्ती में है, ये देख सकते हैं काफ़ी तेज़ उछल रहा है। ये देख सकते हैं आप सामने, फिर स्पीड पकड़ा, फिर ये दौड़ा, ये आया, फिर ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और ये छोटा सा गाइस एक मंकी बैठा हुआ है, ये आप देख सकते हो। अब हम देख सकते हैं गाइस शियार, ये देखिए कुछ इस प्रकार से शियार, ये देखिए दौड़ लगा रहे हैं। तीन शियार हैं, इसको हम मेरे साइड सिंगटा भी बोलते हैं। यहाँ का व्यू देख सकते हैं गाइस काफ़ी अच्छा है, ये देख रहे हो गाइस, ये सारे के सारे भेड़िया हैं, कुछ उधर बैठे हुए हैं और ये चल रहा है। ये आप देख सकते हैं गाइस भेड़िया, काफ़ी सारे भेड़िया हैं। ये एक देख सकते हैं काफ़ी नज़दीक से ये दौड़ लगा रहा है। ये 9 से 10 समूहों में रहते हैं गाइस, ये कम से कम 10 भेड़िया एक साथ चलते हैं, और तभी ये अपना शिकार भी करते हैं। और शिकार के लिए ये अपने शिकार के लिए 20 से 25 किलोमीटर तक दौड़ लगा देते हैं, और समूहों के साथ रहकर शिकार करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं गाइस कुछ इस प्रकार से हैं ये भेड़िया। ये अभी
इवनिंग का वक्त है तो ये अपना टहल रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए गाइस, सभी के सभी बाहर नीचे आ गए हैं। ये देखिए काफ़ी सारे खड़े खड़े देख रहे हैं। बज गया है 7:05, इसका हालांकि बंद होने का टाइम हो गया है। हम थोड़ा लेट थे, पानी गिरने लगा था इसलिए लेट हो गए थे। अभी बाकी है लॉयन और टाइगर देखना, तो चलिए फटाफट उसको भी दिखा देते हैं। शाम के 7 बज गए हैं और उसे भी फटाफट दिखाते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, काफ़ी सुंदर हरियाली है। बारिश का सीज़न है तो काफ़ी सुंदर हरियाली है, आप देख सकते हो पहले से तो काफ़ी। और अच्छा, यहाँ पर कुछ नया अपडेट हुआ है गाइस, कितना अच्छा बना दिया गया है आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। और अब हम देखने वाले हैं गाइस वाइट टाइगर। ये कुछ इस प्रकार, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जिस वाइट टाइगर को बताया था काली धारियों वाला, वो यही है। हालांकि अभी दूर में है, अभी मैं आपको जूम करके बताता हूँ कैसा है। जो काली धारियाँ हैं, इसी वाइट टाइगर को ओडिशा से इंदौर शिफ्ट किया गया है। ये आप देख सकते हो काली धारियों वाला है कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। तो ये गाइस वाइट टाइगर हम लोगों ने देखा, तो ये कुछ इस प्रकार से है गाइस वाइट टाइगर, ये देखिए। और यहाँ का सीन देखिए गाइस, काफ़ी सुंदर व्यू है, इस प्रकार से कुछ बना दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं गाइस बब्बर शेर। ये जो आप सामने का व्यू देख रहे हैं, यहीं पर बब्बर शेर खेला करते हैं। 4-5 बब्बर शेर हैं यहीं पर, फिलहाल दिखाई दे नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। तो गाइस बब्बर शेर हम लोगों ने नहीं देख पाया क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हो गया, 7:30 बज गए हैं। फिर कभी और मैं आपको बब्बर शेर दिखाऊंगा। ये गाइस पीछे आप देख रहे हो, ये है कंटेन, यहाँ पर आप कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार से गाइस कंटेन, यहाँ पर आप कुछ खा सकते हैं। ये देख सकते हो गाइस एलिफेंट, काफ़ी दूर है लेकिन हम आपको जूम करके दिखाएँगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से एलिफेंट। तो ये देख सकते हैं गाइस भालू, कुछ इस प्रकार से बैठ कर सो रहा है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी है इसलिए एकदम क्लियर पिक्चर नहीं आ पा रही है। तो ये देख सकते हैं कुछ यहाँ पर एक बैठा हुआ है, और ये कुछ इस प्रकार से है। इतने क्षेत्र में इसको 3 भालू रहते हैं। तो गाइस जितने भी जानवर थे सारा कुछ इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया। तो गाइस मैंने अभी पूरा का पूरा जो घूम लिया है, अभी जो टाइम हो रहा है 7:30 हो रहा है, 7:30 PM। हालाँकि अभी शाम हो गई है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।